अहमदाबाद मोर्चा मिशन अने विजन 2026 अंतर्गत समाज ना सर्वग्राही विकास माटे 5 लक्ष्य बिंदुओ नक्की कर्या। ज्यां एक तरफ पाटीदार समाज ना युवान बाड़को ना भणतर गणतर अने भविष्य घड़तर माटे श्रेष्ठ सुविधाओ अने अद्वितीय आयोजनो ने आकार आपवामां आव्यो अने निर्माण पाम्यु सरदार धाम अजोड भवन। त्यां बीजी तरफ गुजरात ना तत्कालीन मुख्यमंत्री अने वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ए आपेला वाइब्रंट गुजरात ना विचार ने आर्थिक विकास ना भाग रूपे सरदार धामे नवी दिशा मा लई जवानु नक्की कर्यु। वाइब्रंट गुजरात समिट के जरिए जो शुरुआत कभी गुजरात ने की थी, ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी। पाटीदार समाज की तो पहचान ही रही है, ये जहां कहीं भी जाते हैं वहां के व्यापार को नई पहचान दे देते हैं। आपका ये हुनर अब गुजरात और देश में ही नहीं पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा है। लेकिन पाटीदार समाज की एक और भी बड़ी खूबी है, ये कहीं भी रहे भारत का हित आपके लिए सर्वोपरि रहता है। समाज निर्माण थी राष्ट्र निर्माण सर्वोपरि ना आज मंत्र साथे प्रमुख सेवक गगजी सुतरिया अने समग्र ट्रस्टी गण द्वारा पाटीदार उद्योगपतियों अने सर्व समाज ना उद्योग साहसिकों ने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट ना माध्यम थी एक मंच पर लाबा माटे वर्ष 2018 थी महात्मा मंदिर गांधीनगर खाते थी शुरू करवामां आव्यु ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट। दर बे वर्षे आयोजित थतुं आ समिट पाटीदार समाजनी नवी पेढ़ी माटे बन्यू सफळतानी एक नवी दिशा। वर्ष 2018 अने 2020 मां गांधीनगर खाते आयोजित समिटनी सफळता बाद फरी एक वार गुजरातना औद्योगिक हब तरीके ओळखाता सूरत खाते आयोजित थई रह्यु छे ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022, જ્યાં 12 થી વધુ ચાવીરૂપ બિઝનેસ સેક્ટર્સના 950 થી વધુ સ્ટોલ્સ બનશે એક્ઝિબિટર્સ માટે સફળતાની સીડી। 30,000 સ્ક્વેર મીટરના ભવ્ય એક્ઝિબિશનમાં પ્રદર્શિત 30,000 થી વધુ ઉત્પાદનો ભવિષ્યના ભારતની ડિમાન્ડ માટેની સપ્લાય ચેઇન બનશે, કારણ કે B2B મીટિંગ્સ જોડશે ઉદ્યોગપતિઓને અને એક્ઝિબિટર્સને નવા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ સાથે। દેશ વિદેશથી આવનારા પ્રતિનિધિઓ અને ઉદ્યોગપતિઓની સાફલ્ય ગાથાઓ युवा एंटरप्रेन्योर्स ने जोड़ से मोटिवेशन साथे जिनाथी साकार थशे आत्मनिर्भर भारत बनावानो संकल्प, कारण के मेहनत नो कोई पर्याय नथी अने पाटीदारों नी सफलता नु रहस्य इमनी साहसिकता साथे व्यापार क्षमता छे अने आ उद्योग रत्नो छे पाटीदारों नी सफलता ना साथीदार। कारण के जेम पहला कीधु एम જ્યારે એક વિઝન આવનારી પેઢી માટે આદર્શ બને અને આ આદર્શ જ્યારે ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો પાયો બને ત્યારે સાકાર થાય છે સપનાઓ, જેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે ગ્લોબલ પાટીદાર બિઝનેસ સમિટ 2022। जय सरदार, जय हिंद। हवे आप साहेब ने विनंती करवामां आवे छे के सरदार धाम समिट अने एक्जिबिशन नी सफळता माटे आपना सुभाशीष अने आशीर्वाद माटे विनंती करू छू। નમસ્તે, ગુજરાત કે લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ કે મેરે સહયોગી મનસુખભાઈ પુરુષોત્તમ રૂપાલા અનુપ્રિયાજી, ગુજરાત ભાજપા કે અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ, સરદાર ધામ કે પ્રમુખ સેવક श्री गगजीभाई सुतरिया, पाटीदार समाज के
सभी वरिष्ठजन, देश विदेश से आए सभी अतिथिगण, उद्योग जगत के साथी, देवी और सज्जनों, वैसे आज का कार्यक्रम ऐसा है कि गुजरात की सरकार और गुजरात भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आपके बीच होती, लेकिन आज एक कार्यक्रम का क्लैश हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज अहमदाबाद में हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सभी सांसदों, विधायक और मंत्रियों के साथ है। तो मैंने कहा चलिए मैं जा रहा हूं, मैं सवाल लूंगा। तो वो सब दुविधा में थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए।